क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया था? जवाब है हज़रत अनोश अलैहि सलाम ने लगाया। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की किस आयत में दाढ़ी का ज़िक्र आया है? जवाब है सूरह तौहा आयत नंबर 94 में, 94 में। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अल्लाह पाक के हुक्म से जन्नत में कौन दाखिल होगा? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत नूह अलैहि सलाम के कितने बेटे थे? जवाब है हज़रत नूह अलैहि सलाम के 4 बेटे थे। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि किसने खाना काबा के अंदर हाजियों को कत्ल किया था? जवाब है अबू ताहिर करामती ने कत्ल किया। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? जवाब है हमारा दिल गुनाह करने से तब्दील हो जाता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि किस वक्त में नेकी की बात करना जायज़ नहीं है? जवाब है जुम्मा के दिन खुतबा के दौरान बात करना जायज़ नहीं। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? जवाब है हज़रत जिब्राईल अलैहि सलाम को। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहली तलाक किसने दी थी? हज़रत इस्माईल अलैहि सलाम ने दी थी और ये एक मुकम्मल वाक़या है। सवाल है, बरसगीर पाको हिंद में सबसे पहले किस ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया गया? जवाब है सिंधी ज़बान में किया गया। सवाल है, शुरू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे का काम किया? कबीला बनू सात के लिए आप अलैहिस्सलाम ने काम किया। सवाल है, अंबिया कराम में से वो कौन कौन से नबी हैं जिन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असल शक्ल में देखा? सिर्फ़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने देखा। सवाल है, प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अब्दुल कहार नाम से। सवाल है, हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास कितने खच्चर हुआ करते थे? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास 5 खच्चर थे। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से ऐसे काफिर हैं जिनको दोज़ख में नहीं डाला जाएगा?
नादान दीवाने काफिर जो नासमझी में फोत हो गए होंगे। सवाल है, वो कौन से सहाबी रसूल हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात में 17 नमाजों की इमामत फरमाई थी। जवाब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाह ताला अन्हों ने। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा पानी है जिसको खड़े खड़े भी पी सकते हैं? जवाब है दोस्तों, आबे जमजम और वुज़ू के पानी को। सवाल है, किस सहाबी रसूल ने जंग के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था? जवाब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हों ने। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि किस शख्स का खाने पीने से भी रोज़ा नहीं टूटता? जवाब है, भूल कर खाने वाले का रोज़ा नहीं टूटता। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी की ज़मीन किस सहाबी ने खरीद दी थी? जवाब है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हों ने। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की सबसे पहले कौन सी सूरा नाजिल हुई, कौन सी सूरा की आयात सबसे पहले? सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयात नाजिल हुई थी। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा में हिजरत करने वाले पहले सहाबी रसूल का क्या नाम था? जवाब है दोस्तों, हज़रत अबू मुसलमा रदी अल्लाह अन्हो। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हशर का मैदान किस मुल्क में कायम होगा? हशर का मैदान मुल्क शाम में कायम होगा। तफसीर इब्न कसीर सूरह हशर।